डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल बी डिस्कस टू सब कंटेंट ऑफ द चैप्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवेल्स एंड द राज. फर्स्ट, मेन कॉजेज रिलेटेड फ्रॉम द रिवोल्ट एंड सेकेंड, नेचर ऑफ द रिवोल्ट. द मेन रीजन फॉर दिस रिवेलियन वॉज एक्सटेंसिव discontent among the common people. The people of India were oppressed with the policies and imperialist exploitation of the British. The native rulers, farmers, traders, soldiers and the ordinary people all suffered insult and humiliation under the British rule. All of them wanted to get free from the British by any means. So, as the fire of rebellion broke out in 1857, the people belonging to different religions, castes, and sections of society participated in it. From the official record of the British government, it is not clear what the rebels wanted, but every Indian knows that the rebels wanted freedom from the foreign rule. 1857 की क्रांति ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध आम भारतीय लोगों में उनके विरुद्ध आक्रोश को दर्शाता है और कहीं ना कहीं जो भारतीय लोगों में स्वतंत्रता की चाह थी, जो स्वतंत्रता की भावना थी, उसका प्रस्फुटीकरण के रूप में ये विद्रोह दर्शाता है. यही कारण है कि कई इतिहासकारों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा भी दी है. इसके कई कारण हैं. जो मुख्य कारण हैं उनको एक एक कर चर्चा करूंगा, जो 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों के रूप में जाने जाते हैं. पॉलिटिकल कॉजेज. द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेजली एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स enforced by the Lord Dalhousie generated a sense of discontentment and dissatisfaction among all the Indians. The pension of Nana Sahab was stopped, due to which he turned against the British. The Rani of Jhansi was not permitted to adopt a son, so she was also envoyed with the British. The Jamindars and chief were also against the British because their land had been snatched by the British official and rulers. राजनीतिक कारणों में राजनीतिक असंतोष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. अंग्रेजों के द्वारा भारत में सहायक संधि और गोद निषेध प्रथा की शुरुआत लॉर्ड विलेजली और लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा की गई, और इसका मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक भारतीय देसी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत लाना. जिन रजवाड़ों और राजाओं के राज्य इस प्रक्रिया के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया गया या मिला लिए गए, वो काफ़ी दुखी थे और उन्होंने इस घटना को मौके के रूप में इस्तेमाल किया और ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी पाने की कोशिश की. उसमें न केवल नाना साहब, झांसी रानी, बल्कि कई अन्य क्षेत्रीय देसी रियासतों के राजाओं और शासकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और उनसे स्वतंत्र होने की कोशिश की, जिसकी पृष्ठभूमि में राजनीतिक असंतोष प्रमुख भूमिका निभाता है.
ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द थिंग्स प्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड वर क्वाइट चीप एज अ रिजल्ट द सेल ऑफ द ब्रिटिश गुड्स इंक्रीज्ड इमेंशनली द इंडियन इंडस्ट्री ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड एंड मेनी आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन ऑफ इंडिया लॉस्ट देयर मीन्स ऑफ लिवलीहुड एंड देयरफोर दे टर्न अगेंस्ट द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ ट्रेड द इंडियन ट्रेड वॉज शैटर्ड इफ इंडियन थिंग्स वर सेंट टू इंग्लैंड अ हेवी ड्यूटी वॉज इम्पोज्ड ऑन दीज थिंग्स Consequently, the Indian goods become very costly and therefore there was a decline in the demand for Indian goods. During the British rule, the Jamindars were considered as the owners of the land. They collected the fixed revenue and deposited it in the government treasury. On the other hand, they collected revenue from the farmers as per their wish. As a result, the farmers felt suffocated and wanted to get rid of this oppression and exploitation. Heavy taxes were imposed on the people of India. The taxes were so much that the people found it difficult to survive. So they participate in revolt against Britishers. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद व्यापारिक नीतियों के माध्यम से जानबूझकर किस तरह से उन्होंने भारतीय लघु और कुटीर उद्योगों से संबंधित उत्पादों पर टैक्स की वृद्धि की जिससे वो महंगे हो गए जबकि उद्योगों के द्वारा बनी वस्तुएं भारत की बाजारों में सस्ती दरों पर खरीदी और बेची जाने लगी और इस पृष्ठभूमि में भारत के जो उद्योग धंधे थे लघु और कुटीर उद्योग से संबंधित वो समाप्त हो गए धीरे धीरे और उससे जुड़े हुए लोग बेरोजगार हो गए और न केवल ये व्यापारी वर्ग बल्कि किसानों का भी विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से जो दोहन हुआ उससे वे भी काफ़ी व्यथित थे और जैसे ही 1857 की क्रांति हुई तो इन कारीगरों ने किसानों ने विद्रोह में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त होने का प्रयास किया सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज द क्रिश्चियन मिशनरीज वर एश्योरिंग material benefits to Indian to convert them to Christianity. So many people of India become Christians. Lord William Bentinck, the Governor General of India, initiated reforms in the Indian society. He abolished customs like sati and permitted remarriage of the Hindu widows. Many Hindus viewed these steps against the ideology of Hinduism. The British introduced Western education, Western ideas, and Western institutions in India. They set up English medium educational institutions, but many Hindus considered these steps as attempts of encourage religious conversion. Many people felt that the British were destroying their sacred ideals that they had long cherished. Many Hindus were enraged when the Christian missionaries criticized their scriptures or religious books. इस तरह ईसाई मिशनरीज
की नीतियाँ, जिसमें वे अधिक से अधिक भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते थे, तो दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की वे नीतियाँ और कार्यक्रम जो भारत के धार्मिक और सामाजिक परंपराओं को सुधार के अंतर्गत बदलने का प्रयास किया गया, उसमें सती प्रथा पर प्रतिबंध और विधवा विवाह की अनुमति एक मुख्य मुद्दा बना। समय समय पर ईसाई धर्मावलंबियों के द्वारा हिंदू, मुस्लिम और अन्य भारतीय धार्मिक पर्व त्यौहार, रीति रिवाज और उनकी परंपराओं की खुली आलोचना करना कहीं ना कहीं भारतीयों में असंतोष को पैदा किया, और यही कारण है कि 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की पृष्ठभूमि पर विद्रोह का बहादुर शाह जफर के द्वारा नेतृत्व किया गया और दोनों ने ब्रिटिश साम्राज्य को अंत कर भारतीय राष्ट्रीय विचारधारा से उत्पन्न पृष्ठभूमि को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया। मिलिट्री कॉज। इन 1856 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अ लॉ बाय विच द इंडियंस कुड बी सेंट अक्रॉस द सी टू फाइट अगेंस्ट एनी एनिमी। ड्यूरिंग दोज डेज द हिंदूज कंसिडर इट अ सीन अगेंस्ट देयर रिलीजन टू क्रॉस द सी, सो दे अपोज द ब्रिटिश रूल। द इंडियन सोल्जर्स वर माइल ट्रेटेड ड्यूरिंग द परेड, सो दे कुड नॉट बियर देयर इंसल्ट फॉर लॉन्ग। द इंडियन सोल्जर्स गॉट लेस सैलरी एज कंपेयर्ड विथ देयर ब्रिटिश काउंटर पार्ट। इट जनरेटेड अ सेंस ऑफ डिसकंटेंटमेंट एमंग द इंडियन सोल्जर्स। द ब्रिटिश ऑफिशियल मेड फन ऑफ द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इवन इन फ्रंट ऑफ द इंडियन सोल्जर्स। नेचुरली द इंडियन सोल्जर्स वॉन्टेड टू अवेंज देयर इंसल्ट। भारतीय सैनिकों में असंतोष 1857 की क्रांति का मुख्य कारण बना। समय समय पर नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें विदेश भेजने की प्रक्रिया हो या फिर समय समय पर सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना या उनको अपमानित करने की प्रक्रिया हो, खासतौर से ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा, यही नहीं आर्थिक रूप से भी जो ब्रिटिश सैनिक होते थे उनकी तुलना में कम वेतन दिया जाता था। लड़ाई के दौरान उन्हें फ्रंट में लड़ने के लिए बाध्य किया जाता था और उनके साथ जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण था, और इस तरह के पृष्ठभूमि में सैनिकों के अंदर जो एक विद्रोह की भावना थी वो 1857 की क्रांति के रूप में प्रस्फुटित हुई। इमीडिएट कॉज। द सोल्जर्स वर गिवन न्यू एनफील्ड राइफल्स। द कार्टेज ऑफ दीज राइफल्स वर कोटेड विथ फैट ऑफ द काउज एंड पिग्स, सो अ फ्यू सिपाहीज ऑफ द बैरकपुर कैंटोनमेंट रिफ्यूज टू यूज देम। दिस रिफ्यूजल टेक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ मंगल पांडे। मंगल पांडे अ सोल्जर फेल्ट सो इनरैक्ड दैट ही किल्ड द ब्रिटिश ऑफिशियल। ही वॉज लेटर ऑन हैंग टू दैट फॉर दिस ऑफेंस। ऑल अदर इंडियन सोल्जर्स लॉस्ट देयर पेशेंस एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। तात्कालिक कारण के रूप में
सैनिकों को नए कारतूस प्रयोग करने के लिए दिए गए। इन कारतूसों में सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। अतः बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के नेतृत्व में इसके प्रयोग से इनकार किया गया। तदुपरांत मंगल पांडे द्वारा अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई। इस आरोप के बाद उन्हें फांसी दी गई। लेकिन इस घटना ने पूरे भारत में भारतीय सैनिकों के अंदर असंतोष को उत्पन्न कर दिया और इसी पृष्ठभूमि में 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया और इस तरह से 1857 की क्रांति का प्रस्फुटीकरण हुआ। नेचर ऑफ द रिबेलियन। पीपल फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड इन द रिबेलियन दो देयर नंबर वॉज लिमिटेड। द पीपल एंड द सोल्जर वर अगेंस्ट द ब्रिटिश। दे वॉन्टेड टू गेट रीड ऑफ देम। द सोल्जर्स रिवोल्टेड नॉट टू सीक एनी कंसेशंस बट टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द फॉरेन रूल। द रिबेलियन डिड नॉट स्प्रेड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मैनी सिटीज रिमेंड काम एंड क्वाइट। इफ दे वर काम इट डिड नॉट मीन दैट दे वर विथ द ब्रिटिश। दे वर साइलेंट ड्यू टू देयर इन्फर्मिटीज बट वर डेफिनेटली अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति में जनता ने जो भाग लिया और जो हिंदू मुस्लिम एकता की भावना के साथ अंग्रेजों का विरोध किया उसमें स्वतंत्रता संग्राम की झलक मिलती है। और यही कारण है कि भारतीय इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की उपमा दी है। सैनिकों ने विद्रोह अवश्य किया परंतु उनका उद्देश्य रियायतें लेना नहीं था बल्कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। देश के सभी भागों में ये क्रांति नहीं हुई लेकिन क्रांतिकारियों के विरुद्ध इस तरह का प्रदर्शन भी नहीं हुआ जिससे ये लगे कि वे अंग्रेजों के साथ थे। तो कहीं ना कहीं संपूर्ण भारतीय क्षेत्रों में विद्रोहियों को समर्थन मिला और इस तरह से ये कहा जा सकता है कि ये विद्रोह संपूर्ण भारतीयों का चाहे वो किसी धर्म जाति क्षेत्र भाषा से संबंधित हों अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय और स्वतंत्रता को प्राप्त करने का एक प्रयास था जो किन्हीं कारणों से सफल नहीं हो पाया।